नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम, सॉइल हैज अ रिसोर्स। ठीक है, आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है कि सॉइल कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, जितने भी लैंड हैं, ठीक है, वो हर लैंड के जैसे यूनिकनेस होते हैं, वैसे हर सॉइल के भी एक अपने यूनिकनेस होते हैं। ठीक है, और सॉइल इंपॉर्टेंट इसलिए होता है बिकॉज हमारा कंट्री एक एग्रीन कंट्री है। ठीक है, जो जो हम हमारी कंट्री पे हमारे ऑक्यूपेशन के लिए हम किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, एग्रीकल्चर। ठीक है, और हमारे एग्रीकल्चर की अगर बात आती है तो हमारे यहाँ से कुछ लोग एग्रीकल्चरल को एक नोबल एम्प्लॉयमेंट भी मानते हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है कि हम पहले भूमि, सॉइल, लैंड, भूमि, इसकी पूजन करते हैं। ठीक है, इसको एक ये जो चीजें हैं ये हमारे एक कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़ी हुई है। ठीक है, क्योंकि इंडिया होने की वजह से, कल्चर होने की वजह से, ठीक है, इंडिया का ट्रेडिशन होने की वजह से। सो सॉइल हैज अ रिसोर्सेस, वो क्यों इंपॉर्टेंट है और किस लिए इंपॉर्टेंट है, वो चीजें देखेंगे हम इस टॉपिक के अंदर। टाइप्स ऑफ सॉइल देखेंगे कि कौन से अलग अलग टाइप्स ऑफ सॉइल है। ठीक है, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आपको पूछा जाएगा राइट शॉर्ट नोट्स, ठीक है, फॉर 3 मार्क्स ऑन एलिवल सॉइल, ऑन लेटराइट सॉइल एंड रेड सॉइल, किसी भी सॉइल पे पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको 3 से 4 पॉइंट्स आपको रेडी रखने हैं। ठीक है, कि आप क्या लिखोगे उसके अंदर। ठीक है, आपको सॉइल के टाइप्स मालूम होने के लिए लास्ट ईयर अगर मैं बोलता हूँ, मैंने क्लास ली थी, ठीक है, जहाँ मैंने ऐसा किया था कि बच्चों को एक चार्ट बनाकर दिया था। ठीक है, और उस पर्टिकुलर चार्ट पे मैंने पॉइंट्स बनाकर दिए थे और बोला था बच्चों को आप टेबुलर फॉर्म में इसको अपने, मतलब बोलते हैं ना कि अपने बुक पे रखो, पढ़ो इसको। ठीक है, और क्या करो कि इसको अगर आप देखोगे तो आपको सॉइल एज ए रिसोर्सेज वाला जो बुक, टेक्स्ट बुक का जो चैप्टर है, मतलब चैप्टर के अंदर जो टेक्स्ट बुक में कंटेंट है, वो आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आऊंगा तो आपको सॉइल एज ए रिसोर्सेज के वो जो चार्ट्स है वो चार्ट्स में अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, क्लियर हो गया, वो खुद मैंने हाथ से लिखे हुए पॉइंट्स हैं। ठीक है, और इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, उतना लिखो बस, मार्क्स इजीली स्कोर करके ले जाओ। क्लियर हो गया, तो वो मैं चार्ट दे दूंगा, तो वैसे एक बार चार्ट देगा वो पूरा एक ही पेज में, वो आपको पूरा समझ में आ गया, आपको सॉइल का पार्ट टच करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी सॉइल के कुछ फैक्टर्स पढ़ते हैं। ठीक है, जो क्या होता है कि उनके फॉर्मेशन की वजह से, ठीक है, जब वो सॉइल प्रोड्यूस होते हैं, तो सॉइल प्रोड्यूस होने की वजह से सॉइल अलग अलग क्यों क्लासिफाइड है। ठीक है, क्यों ये सॉइल रेड होते हैं, क्यों सॉइल ये ब्लैक होते हैं। ठीक है, मम्मी ने मारा था इसलिए रेड हो गए नहीं, ठीक है, हम काले हैं बट दिल वाले हैं ऐसे है नहीं। ठीक है, तो ये रेड और ये ब्लैक, ये लेटराइट, ये ऐसे अलग अलग टाइप ऑफ सॉइल क्यों है, सो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट। ठीक है, और उसके रीजंस ये होते हैं कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जब उनके प्रोसेस होने पर, ठीक है, वो इफेक्ट करता है। क्लियर हो रहा है, तो वो फैक्टर्स क्या है, तो फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस, देखिए वो पहला होता है क्लाइमेट। किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में जैसे क्लाइमेट होगा वैसे ही सॉइल वहां का होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप इस चीज को अपने आप से रिलेट कर सकते हो, घर में जैसा इन्वायरमेंट होगा बच्चा भी वैसे ही, बराबर। घर में अगर पेरेंट्स अगर अच्छा शिक्षा देंगे, अगर अच्छा नॉलेज देंगे, अगर अच्छा अगर पेरेंट्स अगर ध्यान देंगे, एक उसे अगर बच्चे को कल्चर और ट्रेडिशंस के बारे में बताएंगे, उसकी इम्पोर्टेंस को बताएंगे, तो बच्चा भी वैसा ही होगा। ठीक है, और अगर पेरेंट्स अगर बहुत अलग ही दिमाग के हैं, ठीक है, वो ध्यान नहीं देते, बच्चों पे केयर नहीं करते, कभी एक दूसरे को अगर इम्पोर्टेंस नहीं देते, बच्चों को इम्पोर्टेंस नहीं देते, तो आने वाले टाइम पे बच्चा भी इम्पोर्टेंस देगा नहीं किसको, पेरेंट्स। ठीक है, तो ये चीजें होती है, वैसा होता है कि क्लाइमेट को मान लो कि सॉइल का पेरेंट है, ठीक है, सॉइल की मम्मी पापा। ठीक है, तो क्लाइमेट जैसा होगा वैसे ही सॉइल भी उसका होगा। तो यहाँ पर क्या बोला है, क्लाइमेट डिसाइड द रेट ऑफ वेदरिंग एंड टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। कोई भी सॉइल अगर बनता है तो वो किससे बनता है, वो वेदरिंग प्रोसेस से बनता है। किससे बनता है, वेदरिंग प्रोसेस। नाउ व्हाट इज वेदरिंग, क्या आप लोगों को वेदरिंग का मतलब पता है? यस, दिस इंटीग्रेशन ऑफ द रॉक इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, रॉक को रॉक के टू पार्ट्स में डिवाइड होना, ठीक है, डिसइंटीग्रेट होना, ठीक है, ड्यू टू मेनी फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो डिसइंटीग्रेट हो जाना और रॉक छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाना, ठीक है, और वो टूटने के बाद क्या बन जाते हैं, सॉइल बन जाते हैं। क्लियर हो गया, तो वो होता है वेदरिंग प्रोसेस। सो क्लाइमेट की वजह से होता है, जैसे क्लाइमेट में वार्मनेस ज्यादा होगा यानी कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, क्लाइमेट में कोल्डनेस बहुत ज्यादा होगा तो वेदरिंग होने के चांसेस, ठीक है, वेदरिंग होगा
रॉक टूट जाएगा क्यों? बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द टेम्परेचर. ठीक है, जैसे ह्यूमन का हार्ट लबधब लबधब करता है, ठीक है, धक धक नहीं लबधब, ठीक है, साइंटिफिक उसका वॉइस जो है वो लबधब है. ठीक है, तो जैसे ह्यूमन का हार्ट लबधब करता है क्यों? बिकॉज ऑफ द एक्सपांशन इन द कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, वो एक्सपांड होता है एंड कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सपांड होता है एंड कॉन्ट्रैक्ट होता है. वैसे ही वेदरिंग जब प्रोसेस होता है तो टेम्परेचर की वजह से रॉक के अंदर भी मिनरल्स जितने होते हैं, जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो एक्सपांड होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो एक्सपांड होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. एंड ड्यू टू दिस एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, सर्टन प्रेशर क्रिएट्स. अब जब प्रेशर क्रिएट होगा तो क्या होगा? रॉक टूट जाएगा, है कि नहीं? जिस जगह पर प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है, प्रेशर हमेशा क्रिएट होगा तो उसका कोई ना कोई इफेक्ट होगा, बराबर. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं, मेरा बर्थडे है, मैंने बलून लाया, ठीक है, मैंने बलून में हवा एयर डाला, ठीक है, यानी कि अंदर एयर फॉर्मेशन हो रहा है, एयर अंदर फील होता जा रहा है, ठीक है, और एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है, बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो क्या हो रहा है? उसके अंदर प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ठीक है, और जैसे ही एक सडन लिमिट खत्म हो जाएगा, फिर भी मैं हवा डाल रहा हूँ, वो अचानक से ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है, और फिर मैं गाना गाऊंगा हैप्पी बर्थडे टू मी, बराबर. तो ये क्यों होगा? बिकॉज ये इसलिए होगा बिकॉज उसके अंदर का प्रेशर रिलीज हो गया. समझ में आया? एक सर्टन लिमिट तक था, होल्ड किया, फिर उसने क्या बोला? बस हो गया मुकेश वर्मा, और मत खुला, फेफड़े खराब हो जाएंगे, ठीक है, और वो क्या हो जाएगा? वो फूट जाएगा. समझ में आ रहा है? सेम वेदरिंग में रॉक के लेयर्स होते हैं. अनियन देखा है? अनियन, ठीक है, अनियन को जब आप पील करते हो और आप जब उसको कट करते हो तो आपको लेयर्स दिखने मिलते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, बराबर, लेयर्स दिखने मिलते हैं. यानी कि वो लेयर्स जैसे होते हैं अनियन में, ठीक है, वही चीजें होती है वेदरिंग के प्रोसेस में. जब ये टेम्परेचर के चेंजेस होने के वजह से, ठीक है, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो रॉक में भी यही चीजें होती है. टेम्परेचर चेंज हुआ, एक्सपांड कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो रॉक के लेयर्स बनने स्टार्ट हो जाते अंदर ही अंदर, ठीक है, और ये रॉक के जब लेयर्स बनने स्टार्ट होते हैं और इन पे प्रेशर क्रिएट होता है तो रॉक टूट जाता है. क्लियर हो रहा है? इसको बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ एक्सफोलिएशन. क्या बोलोगे? एक्सफोलिएशन. ठीक है, आप देख सकते हो ये चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल ट्री में भी आप देख सकते हो, अगर एक ट्री को आप स्टेम से कट करते हो तो आपको देखो ट्री कैसे पहचानी जाती है कि वो कितनी पुरानी है, उसके ट्री के अंदर के स्टेम के सर्कल से, कि जितना ज्यादा सर्कल है इतना उसका मतलब उतना पुराना वो ट्री है, बराबर. क्लियर हो रहा है? सेम चीजें रॉक के अंदर भी होता है. जब आप रॉक को कट, रॉक टूटेगा, ठीक है, तो वो लेयर्स में टूटता है. वो लेयर्स में टूटने को हम बोलते हैं वेदरिंग और एक्सफोलिएशन. क्लियर हुआ? समझा? और इसके वजह से क्या होता है? छोटे छोटे माइन्यूट के सॉइल्स मिलते हैं हमको, ठीक है, छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स मिलते हैं जिसे हम बोलते हैं सॉइल. तो क्लाइमेट की वजह से ये चीजें होती है. क्लियर हो गया? पहला वाला पॉइंट समझ में आया. दूसरा होता है टोपोग्राफी. Now, what is topography? Topography इसका मतलब लैंड शेप. ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि रॉक कहाँ पर है. डेजर्ट एरिया में है, ठीक है, रॉक पेनिनसुला एरिया में है, रॉक कोस्टल्स में है. बिकॉज इनके वेदरिंग प्रोसेस में ये रॉक जब टूटता है तो इनके अलग अलग प्रोसेस हो चुके हैं, ये रॉक अलग अलग वे में टूटते हैं. अब जैसे मैंने आपको एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन बताया, तो उसके पीछे का राज टेम्परेचर है. टेम्परेचर किसी भी चीज का अगर बहुत ज्यादा है और ड्रेस्टिकली अगर उसको नीचे गिरा दोगे तो क्या होगा? चीजें खराब हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, मम्मी को हमेशा देखा होगा दूध उबाला, ठीक है, मिल्क बॉइल किया, और वो जो मिल्क है जिसका टेम्परेचर काफी गर्म है, ठीक है, मम्मी क्या करती है? तुरंत फ्रिज में डालती है क्या? नहीं, क्या करती है? वो बाहर रखेगी, ठंडा करेगी, पूरा कंप्लीटली कूल डाउन होगा, देन बाद में वो क्या करेगी? रेफ्रिजरेट करेगी. क्यों? बिकॉज टेम्परेचर काफी ज्यादा है और सडनली टेम्परेचर अगर चेंज हो गया तो चीजों पे इफेक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, दूध जाएगा फट, ठीक है, बन जाएगा पनीर, ठीक है, बनाना चाहते थे आप दूध का शेक, मिल्क शेक, और बन जाएगा पनीर. क्लियर हो गया? समझ रहे? तो ये चीजें होती है कि टेम्परेचर की वजह से चेंज. अब टोपोग्राफी अगर ऐसी जगह पर हो जहां पर ड्रेस्टिक टेम्परेचर चेंज हो तो वेदरिंग हो जाएगा, ठीक है, एक्सफोलिएशन हो जाएगा. कुछ जगह पर ऐसा होता है कि कोस्टल एरिया यानी कि जहां पर नदी के जो किनारे जितने पत्थर होते हैं, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि उसके ऊपर ना ब्राउनिश कलर का रस्टिंग लगा होता है, ब्राउन कलर का, या कुछ कुछ पत्थर पे आपने देखा होगा होल्स होते हैं, छोटे छोटे पोरस होल्स होते हैं, ठीक है. अब वो होल्स होते क्यों? उसको होल लेने के लिए बहुत मजा आया? नहीं, ये होल होते इसलिए है बिकॉज जब वाटर का, जब नदी के जो पानी है, ओशन का पानी है,
वो सॉल्टी नेचर है, यानी कि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर अल्कालीज है, ठीक है, उसके अंदर सॉल्ट प्रेजेंट है। तो जितने बार वाटर पत्थर को तंग करने के लिए आकर टकरा कर जाएगी, ठीक है, उतने बार क्या होगा, दोनों का कॉन्टैक्ट होगा, ठीक है। कॉन्टैक्ट में आने के वजह से, ठीक है, ऑक्सीजन हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, ठीक है, ये ऑक्सीजन के वजह से, ये रॉक के और सॉल्ट के कॉन्टैक्ट के आने की वजह से पत्थर धीरे धीरे सड़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, केमिकल यहाँ पर वाटर के साथ रिएक्शन हो रहा है, यानी कि केमिकली वेदरिंग होगा, ठीक है, और होल्स बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, रस्टिंग जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कुछ रॉक्स आपको ब्राउनिश कलर का दिख, ब्राउन ब्राउन कलर का दिखे, ठीक है, और कुछ में होल्स दिखे, ठीक है। तो ये हो जाएगा वेदरिंग का पार्ट। तो टोपोग्राफी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टोपोग्राफी ऑफ द लैंड डिसाइड्स द एक्युमुलेशन ऑफ द सॉइल, कि सॉइल वहां का कैसे होगा। देन नेचर ऑफ द पैरेंट रॉक, ठीक है, रॉक जो बन रहा है, सॉइल जो बन रही है, वो डिपेंड करेगा कि उसका रॉक कैसा था। अगर वो इग्नियस रॉक से बना है तो इट विल बी ब्लैक इन कलर, बिकॉज इग्नियस रॉक इज ऑब्टेन फ्रॉम द वॉल्केनिक इरप्शंस, बराबर। वॉल्केनिक इरप्शन से, ज्वालाएं से जितने भी लावा जो निकलता है बाहर, ठीक है, उसको लावा को लगता है हवा, ठीक है, और वो हवा लगने के वजह से क्या हो जाता है कि वो क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखो हर जगह पर साइंस, ठीक है, क्यों, बिकॉज टेम्परेचर बाहर आया, ठीक है, टेम्परेचर कूल डाउन हुआ, अंदर लिक्विड मीडियम में था बिकॉज टेम्परेचर काफी ज्यादा था, बाहर आते ही लावा क्या हो गया, कूल टेम्परेचर लगने की वजह से रॉक में क्रिस्टल फॉर्म में बन गया, ठीक है, हार्ड इन नेचर हो गया। अब जब वो वेदर होगा और उसका सॉइल बनेगा तो ब्लैक कलर का तो ब्लैक ही बनेगा ना, ब्लू तो होगा नहीं, बराबर, क्लियर हो गया। तो ये चीजें होगी कि नेचर ऑफ द पैरेंट रॉक, पैरेंट रॉक कैसे है, उसके उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि रॉक कैसा होगा, ठीक है। इट डिसाइड द कंपोजिशन एंड द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, अगर सॉइल आपका क्लेई है तो सॉइल क्लेई क्यों है, बिकॉज उसका रॉक क्लेई होगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके सॉइल में सॉल्ट ज्यादा है, अल्कलीन ज्यादा है, यानी कि वो लाइमस्टोन होगा, ठीक है, जरूर वो वाटर से रिएक्शन करने के बाद बना होगा, ठीक है, क्लियर हो रहा है। अगर वो ब्लैक होगा इसका मतलब जरूर वो इग्नियस रॉक से बना होगा। ये चीजें डिपेंड करती है कि सॉइल कैसे बनेगा। देन वेजिटेशन आपको पता है वेजिटेशन मतलब क्या होगा, वनस्पतियां, ठीक है, जितने भी प्लांट्स होते हैं ये सारी चीजें क्या होती है, वेजिटेशन। कुछ रॉक बायोलॉजिकल की वजह से भी वेदर्ड हो जाते हैं, बायोलॉजिकल मतलब प्लांट्स के रूट्स के वजह से। आपने देखा होगा कि जो पर्टिकुलर बॉल है वो बॉल में से रूट्स क्रैक होकर बाहर निकलते हैं, तो रूट्स क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली रॉक को क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, और उसके वजह से सॉइल बन रहा है, ठीक है। कभी कभी जो चूहे, ठीक है, वो माइस भी क्या करेगा, अपने होल्स डिप करने के लिए क्या करेगा, वो वापस से वहां पर प्लगिंग करेगा, जिसके वजह से क्या होगा, रॉक पूरे वापस से। एंट्स, एंट को देखा होगा, ठीक है, जो रेती जो सॉइल का बनाते हैं अपना घर, ठीक है, तो वो भी क्या करते हैं, ये सारे बायोलॉजिकल में आ जाते हैं, जहां पर मैकेनिकल कुछ नहीं होता, टेम्परेचर के वजह से कुछ नहीं होता, ना ही केमिकली कुछ होता है, क्लियर हो गया। तो ये थे फैक्टर्स इसके विच इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। तो ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है। देन टाइप्स ऑफ सॉइल, ठीक है, देयर आर सिक्स टाइप ऑफ सॉइल, ठीक है, जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाएंगे, ठीक है, फॉर द राइट शॉर्ट नोट्स, ठीक है, और इवन दे माइट बी आस्क यू फॉर द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, फॉर 5 मार्क्स, ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू द पैटर्न ऑफ द सिलेब पैटर्न फॉर द सीबीएसई बोर्ड, ठीक है। अगर आप 3 मार्क के लिए लिख रहे हो तो आपको 3 पॉइंट्स मेंशन करने हैं, जो कि एक्यूरेट होना चाहिए एंड अप टू द पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप 5 मार्क के लिए लिख रहे हो तो यू हैव टू राइट 5 पॉइंट्स, ठीक है। तो पहला वाला है एलिवियल सॉइल, नेक्स्ट वन इज रेड सॉइल, देन डेजर्ट सॉइल, माउंटेन सॉइल, ये 6 टाइप के सॉइल जो कि हम वन बाय वन करके डिटेल में पढ़ेंगे।